दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब हम हमारी कंपनी के लिए इंटरस्टेट या फिर इंटरस्टेट से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस वाउचर की एंट्री हम हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करते हैं। दोस्तों इंटरस्टेट यानी कि जब हम हमारी कंपनी के लिए किसी आउट ऑफ स्टेट से, जैसे कि हम राजस्थान से हमने किसी अदर स्टेट से कोई गुड्स परचेज किया है तो उस परचेज वाउचर पर हमें IGST टैक्स है जो लग के आएगा। जैसा कि आप ये इनवॉइस देख रहे हो, हमारा एक सप्लायर है श्री बालाजी ट्रेडर्स और इनका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो है न्यू दिल्ली में और हमारी जो कंपनी है वो है राजस्थान में, यानी कि हमने श्री बालाजी ट्रेडर्स से यानी कि अदर स्टेट से ये गुड्स परचेज किए हैं। तो जब भी हम आउट ऑफ स्टेट से परचेज करेंगे तो हमें IGST टैक्स लग के आएगा। अब बात आती है इंट्रास्टेट की। इंट्रास्टेट यानी कि जब हमारे विद इन स्टेट यानी कि हमारे स्टेट के साथ ही हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसा कि हमने BS ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स परचेज किया है और ये जो पार्टी कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो जयपुर यानी कि राजस्थान की ही है और हमारी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो भी राजस्थान का ही है, तो जब हम राजस्थान का गुड्स राजस्थान में ही परचेज करेंगे तो हमें CGST टैक्स और SGST टैक्स लग के आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि जब हम आउट ऑफ स्टेट और विद इन स्टेट की जो परचेज हम करेंगे तो क्या हमें अलग अलग लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे इंटरस्टेट परचेज के या फिर इंटरस्टेट परचेज के, या फिर हम एक कॉमन लेजर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये कंपनी की जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है उसी के आधारित है। तो वीडियो दोस्तों सारे प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे सारी बातें प्रैक्टिकल ही रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम हमारी जो लोकल की जो परचेज है यानी कि हमारे विद इन स्टेट राजस्थान की ही जो परचेज का जो वाउचर हमें मिला है BS ट्रेडिंग कंपनी का, इसी वाउचर की एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर में करके देखेंगे और उसके बाद में जो हमारी IGST की जो परचेज है अदर स्टेट के परचेज उसको भी करके देखेंगे। तो हम चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर। दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर में मैंने अभी तक केवल कंपनी ही क्रिएट करी है, इसमें कोई वाउचर मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि जो भी वाउचर क्रिएट करेंगे, जो भी लेजर क्रिएट करेंगे वो सारे आपके सामने लाइव रहेंगे। तो वाउचर की एंट्री करने के लिए हम वाउचर पर जाएंगे और उसके बाद में परचेज वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर पार्टी का जो सप्लायर का जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद में डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि डेट इनकी है 3 अगस्त 2021, तो 3 अगस्त 2021 हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ पर भी सेम सप्लायर इनवॉइस नंबर में वाउचर का नंबर ही पोस्ट कर देंगे और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम यानी कि BS ट्रेडिंग कंपनी, तो हम यहाँ पे Alt+C का यूज़ करेंगे शॉर्टकट बनाने के लिए, या फिर आप शॉर्टकट इसको नेविगेशन की से आपका बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर क्रिएट पर भी क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो, दोनों का सेम ही ऑप्शन है। तो हमारा जो सप्लायर्स का जो नेम है BS ट्रेडिंग कंपनी, इसका हम लेजर क्रिएट कर लेंगे और अब ये हमारे लिए सप्लायर है तो हम इनको रखेंगे सैलरी क्रेडिटर्स में। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल थ्रू डिटेल को हम यस रख सकते हैं और उसके बाद में एड्रेस, जो एड्रेस इनके इनवॉइस के ऊपर मेंशन हुआ है उसी को हम पोस्ट कर देंगे HTG और उसके बाद में स्टेट। अब स्टेट की यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये जो पार्टी का लेजर हम क्रिएट करते हैं तो ये स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। अगर आपने इसको अदर स्टेट कर दिया या फिर नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो आपके जो ट्रांजेक्शन है CGST SGST की वो प्रॉपर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होगी। और उसके बाद में जो भी इनका पिन कोड है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप अभी इसको स्किप कर सकते हो, इसको आप मॉडिफाई करके बाद में भी हम एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद में GST डिटेल में हम इसको रेगुलर रखेंगे और उसके बाद में GST नंबर, तो अब इनका जो GST नंबर इनके वाउचर पर जो लग के आया हुआ है वो हम डालेंगे यहाँ पर और उसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए इसको हम करेंगे सेव और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो के भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, अब जो नेम ऑफ आइटम हमारे पास आई है जैसे कि माउस विद वायर, तो हम Alt+C के साथ शॉर्टकट वहीं क्रिएट कर देंगे क्योंकि अभी तक हमने हमारे पास कोई भी स्टॉक आइटम है जो क्रिएट नहीं है, हम क्रिएट कर लेंगे माउस विद वायर और ये इसको हम एक बार Alt+C करके कंप्यूटर्स पार्ट्स का ग्रुप बना देंगे और इसके बाद में यूनिट्स है, यूनिट रहेगी पीस और उसके बाद में GST एप्लीकेबल, ये डिटेल हमें यस करनी है और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे टाइप कर देंगे माउस या आप कंप्यूटर पार्ट्स जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो वो हम दे देंगे
और एडजेशन कोड यहाँ पर डाल देंगे। टैक्स की जो कैटेगरी है उसको हम रखेंगे यहाँ पर टैक्सेबल, क्योंकि ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है। और आईजीएसटी का जो फुल रेट है इसका जीएसटी 18% है। और ये टाइप ऑफ सप्लाई में इसको रखेंगे हम गुड्स, और इंटरप्रेस करते हुए करेंगे इसको सेव। और उसके बाद में जो क्वांटिटी है जो हमने परचेज करी है वो 6 पीस की करी है। अब एक का यहाँ पर जो टैक्सेबल रेट है वो है 145 रुपये और 6 पैसे पर पीस का टैक्सेबल रेट है ये। और उसके बाद में अब हमें यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परचेज का, तो हम एल्ट सी प्रेस करेंगे। तो अब हमें दो अलग अलग लेजर क्रिएट हम कर लेंगे। अगर हम कंपनी की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की बात करें तो हम कॉमन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग परचेज का लेजर बना लेंगे, भैया हमने आउट ऑफ स्टेट से इतनी ट्रांजेक्शन करी है और विद इन स्टेट हमने इतना गुड्स परचेज किया है, तो जब हम कोई जीएसटी की जो कैलकुलेशन अगर हम करना चाहें तो हमें ज़्यादा ईजी रहता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर एक परचेज का लेजर बना लेंगे, जैसे कि कंप्यूटर पार्ट्स जीएसटी 18% परचेज, और इसका कि हम हिंट दे देंगे लोकल, यानी कि राजस्थान के ही परचेज है, और इसका जो ग्रुप रहेगा वो परचेज अकाउंट रहेगा, और उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल। तो इस ऑप्शन को अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की। तो इसमें हम दे देंगे यहाँ पर परचेज टैक्सेबल, और उसके बाद में यहाँ पर इसका जो टैक्स रेट है वो 18%, और टाइप ऑफ सप्लाई में रखेंगे गुड्स। और इस तरीके से ये हमारे पास जो सेकंड आइटम है कीबोर्ड विद वायर का, इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। और कंप्यूटर पार्ट्स हैं पीसीस में है, एप्लीकेबल को यस करेंगे, तो इसमें हम लिख देंगे कीबोर्ड, और एचएसएन कोड यहाँ पर डाल देंगे हम, और ये भी टैक्सेबल है और जीएसटी 18% का प्रोडक्ट है। और उसके बाद जो क्वांटिटी है 5 पीस है, और एक का जो टैक्सेबल रेट है वो 352 रुपये है, और ये भी अब जीएसटी 18% की लोकल की ही परचेज है। और उसके बाद में हम जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू वो 2630 रुपये और 36 पैसे है, तो अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हो 2630 रुपये और 34 पैसे है, तो 2 पैसे हम एडजस्ट कर देंगे हम इसी में, चलो 2 पैसे हम एडजस्ट कर देंगे, 2 हमारे 34 पैसे आ जाए, तो इसमें 2 पैसे हमको कम करने होंगे, तो हम ऊपर वाले में 36 की जगह 34 पैसे कर देंगे। और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स का लेजर, सीजीएसटी टैक्स, तो ये टैक्स का लेजर अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में एसजीएसटी टैक्स का लेजर, और ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टैक्स की जो टाइप है वो जीएसटी रहेगा, और इसमें जो इसकी टैक्स डिटेल्स है वो स्टेट टैक्स। और ये इस तरीके से हमारे पास ये इसका टैक्स का कैलकुलेशन हो गया है 236 रुपये और 73 पैसे। अगर इन्वॉइस की बात करें तो 236 रुपये और 73 पैसे, और इन्वॉइस का जो टोटल है वो 3104 रुपये, तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो 3103 रुपये और 80 पैसे, और जो 20 पैसे यहाँ पर राउंड ऑफ है इसको हम यहाँ पर भी राउंड ऑफ कर देंगे। तो हम एल्ट सी के साथ राउंड ऑफ का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, ये रहेगा अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और उसके बाद में 20 पैसे हमें ऐड करने हैं तो 0.20, तो इस तरीके से नेट अमाउंट 3104 रुपये बन जाएगी। तो ये तो थी हमारी लोकल की परचेज। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड इनवॉइस था आउट ऑफ स्टेट का, यानी कि श्री बालाजी ट्रेडर्स का, तो इसका लेजर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम साथ के साथ ही क्रिएट कर लेंगे। इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे, और वाउचर की जो डेट है वो 1 अगस्त है, तो F2 करके 1 अगस्त कर देंगे। और उसके बाद में पार्टी का अकाउंट नेम, तो श्री बालाजी ट्रेडर्स के नाम से हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं एल सी के साथ। तो जो पार्टी का नाम है एजीटीजी नाम जो हमारे पास इनवॉइस में हमें वही नाम टाइप करना चाहिए, तो ये भी हमारे लिए सप्लायर्स है तो इनको रखेंगे सैलरी क्रेडिटर में। और उसके बाद में इनकी जो एड्रेस है वो एड्रेस को भी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और एंटरप्राइज का। अब यहाँ पर इनका जो स्टेट है, स्टेट आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, स्टेट हम देंगे दिल्ली, क्योंकि हमारी दिल्ली की ही पार्टी है। और उसके बाद में रेगुलर रखेंगे, और उसके बाद में इनका जो जीएसटी नंबर है जो इनवॉइस के ऊपर मेंशन है उसी को ही हम कॉपी कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, ये डिटेल भी एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद में सेम ही प्रोडक्ट हमने परचेज किया है माउस विद वायर, तो ये माउस विद वायर क्वांटिटी है जो 15 पीस है, और यहाँ पर इनका जो टैक्सेबल रेट है 135 रुपये, तो
अब यहाँ पर ये जो लेजर आ गया भी कंप्यूटर पर जीएसटी 18% परचेज लोकल, जो हमने लोकल की परचेज के लिए क्रिएट किया था, अब हमें यहाँ पर एक अलग से क्रिएट कर देंगे आउट ऑफ स्टेट का। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे भी कंप्यूटर पार्ट्स जीएसटी 18% परचेज, और यहाँ पर लिख देंगे इसको, चाहे आप आईजीएसटी लिख दो तो आपको पता चल जाएगा भी आउट ऑफ स्टेट की परचेज है, या आप इसको इस हिंट के इसके आगे देना तो इंटर स्टेट भी आप लिख सकते हो। तो इसका अंडर में रहेंगे परचेज काउंट, और यहाँ पर जीएसटी डिटेल को एप्लीकेबल करेंगे और सेट जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो आएगी, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, हम केवल परचेज टैक्सेबल नहीं देना, आउट ऑफ स्टेट के लिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल और जीएसटी 80%, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे, और इस तरीके जो सेकेंड आइटम है कीबोर्ड, और उसकी जो क्वांटिटी है 10 पीस, एक का रेट 345 रुपये। अब यहाँ पर भी हम आईजीएसटी परचेज का लेजर वो सिलेक्ट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे एंट्री करने के बाद में। तो अब 5475 रुपये हमारे टैक्सेबल अमाउंट बन गई। अब हमें यहाँ पर एक आईजीएसटी टैक्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, आईजीएसटी टैक्स, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और जीएसटी, अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आईजीएसटी की जो कैलकुलेशन वो हो गई है। अब इसके बाद में जो राउंड ऑफ रहे हैं हमारे 50 पैसे, तो 0.50। तो इस तरीके से ये टोटल कैलकुलेशन, यानी कि 5475 रुपये टैक्सेबल और 985 रुपये 50 पैसे आईजीएसटी टैक्स की अमाउंट बन गई। तो इस तरीके से इसका जो नेट इनवॉइस है वो 6461 रुपये का, और यहाँ पर भी ये 6461 रुपये का। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर हमारी मैच हो गई है। तो इस वाउचर को भी हम करेंगे एक्सेप्ट। दोस्तों अब ये दोनों अलग अलग लेजर क्रिएट करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, वो बेनिफिट हमें जब मिलेगा जब हम ट्रेडिंग काउंट तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जाके देखते हैं और Alt+F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो सारी डिटेल अलग अलग पता चल जाएगी भी आपने कंप्यूटर पर जीएसटी 18% की जो परचेज है वो लोकल की आपने कितनी कर रखी है और आउट ऑफ स्टेट की आपने कितनी कर रखी है। तो ये आपको एक अलग से सुविधा मिल जाएगी अपने परचेज को रिकनसाइल करने के लिए। अगर हम एक कॉमन लेजर बनाते हैं कंप्यूटर जीएसटी 12% परचेज का, तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो 8105 रुपये और 34 पैसे की, ये आपको यहाँ पर एक ही लेजर में नजर आती। तो इसमें देखने वाले को ये कन्फर्म नहीं हो पाता भी 8105 रुपये आपकी इसमें लोकल परचेज आपने कितना किया और आउट ऑफ स्टेट से आपने कितना गुड्स परचेज किए। तो ये हमें अलग अलग लेजर हम बात कर लें तो ये हमारी जब जीएसटी का रिकनसाइल हमें करना हो जीएसटी ऑडिट के पर्पज से, तो हमें ये सारी बातें ईजिली कैलकुलेट हो जाती है भी हमने हमारी लोकल की परचेज इतनी है तो हमारा सीजीएसटी एजीएसटी इतना बनना चाहिए, और अगर हमने आउट ऑफ स्टेट से परचेज किया तो हमारा आईजीएसटी की जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो इतनी बननी चाहिए। तो ये हमारी सुविधा के लिए हम अलग अलग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग अलग लेजर ही क्रिएट किए जाते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल भी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।